इसे कहने के द्वारा आप अपने दिल में इसे डालते हैं। जब आप इस क्रिया से जाते हैं कि अपने कान इन बातों की ओर लगाएं, वचन की ओर ध्यान देते हैं, इसे अपनी आंखों के सामने रखते और कहने के द्वारा इसे अपने दिल में रखते हैं, और केवल तब आप इसे पाते हैं और तब ये आपके पूरे शरीर के लिए औषधि होती है। Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us His precious blood. Who is love will not remember, who can cease to sing His praise? He can never be forgotten. Throughout heaven's eternal days, who is love? Who is love will not remember, who can say, he can never be forgotten. Throughout heaven's eternal days. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the floodgates of God's mercy, flow the mass and gracious tide. Grace and love, like mighty rivers, poured in sand. Kissed again to world. Grace and love, like mighty rivers, poured in steps and from above, and heaven's peace and perfect justice. Kissed again to world. विश्वास है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप काम करने लगेगा। आपको इसे खोलना होगा। आपने इसे पाया अंगीकार से। यदि अंगीकार से वो वहां पर भीतर गया है, अब विश्वासी वो है जिसके कारण आप अपने विश्वास को खोल सकते हैं और विश्वास की व्यवस्था को आप सक्रिय कर सकते हैं। विश्वास की व्यवस्था मुझे पसंद है, क्योंकि जब आप कहते कि ये व्यवस्था है, विश्वास व्यवस्था है, इसका मतलब ये हर समय काम करेगा। आप निश्चित हो जाए, गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे ही गारंटी देता है कि जो कुछ भी आप नीचे गिराते हैं वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं उड़ेगा। वो नीचे जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है। तो उसी तरह से इसकी गारंटी, अगर इस तरह से काम करे तो ये काम करेगा। यदि ये काम नहीं कर रहा, इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हैं। हेलो, आपको काम करना होगा तभी ये काम करेगा जरूर। यानी जब आप अंगीकार के द्वारा विश्वास के नियम को सक्रिय करते हैं, क्या होता है, वो विश्वास की जो आत्मिक सामर्थ्य आपके अंदर होती है आपके लिए काम करने लगती है। विश्वास की आत्मिक सामर्थ्य आपके अंदर में पहले ही होती है, क्योंकि आपने कहा है, वचन आपने कहा, बार बार उसे कहा है, और उसने आपके अंदर विश्वास लाया। जैसे आपने खाना खाया और आपने कसरत की और शारीरिक बल पाया, आपने परमेश्वर का वचन खाया और आप निश्चय आत्मिक बल को प्राप्त कर चुके हैं। विश्वास वहां है, अब आपको काम करना है। याद रखिए वो समय जब चेलों ने आकर यीशु से ये कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा। देखिए उसके जवाब को, उसने यहाँ पर विश्वास बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जानते उत्तर क्या था? उसने कहा, यदि तुम इस पेड़ से कहो कि तू जड़ से उखड़ जा और तू समुद्र में जाकर लग जा, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। सवाल क्या था? हमारे विश्वास को बढ़ा। और जवाब क्या था? उसने कहा, यदि तुम इस पेड़ से कहो कि तू उखड़ जा और तू जड़ से उखड़ जा और तू समुद्र में जाकर तू लग जा, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। उसने उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? उनका सवाल था उनका विश्वास बढ़ाए, लेकिन वो कह रहा था पेड़ से कुछ कहने के बारे में, क्योंकि वो ये कह रहा था
कि तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं, तुम्हारे पास विश्वास है, तुम कुछ नहीं कह रहे हो इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। हेलो, तुम्हारे पास विश्वास है लेकिन तुम अपना मुंह नहीं खोल रहे हो। समस्याओं के सामने तुम अपनी समस्याओं से नहीं कह रहे हो, तुम अपनी समस्या से कुछ भी नहीं कह रहे हो, जो तुम चाहते हो उसे करने के लिए नहीं कह रहे हो, इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तुम में विश्वास है, मुझसे ये नहीं कहना कि तुम्हारा विश्वास बढ़ाऊं, क्योंकि विश्वास की कमी यहाँ पर समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर समस्या है विश्वास में काम करने की, विश्वास को खोलने की कमी है, यही समस्या है। इसलिए कहो वो कहता है, कितने लोग समझ गए, कहो वो कहता है। और फिर अगले वचन में वो दास के बारे में कहता है, जब घर में आए तो क्या अपने दास से ये कहते हैं, जाओ खा लो और अगर कुछ बचता है तो लाना, टेबल पर रख देना, उसके बाद में मुझे परोसना। वो ऐसे ही कहता है, वो कहता है नहीं, वो तो कहता है जाओ खाना तैयार करो और उसे मेज पर रखो, वहां खड़े रहकर मुझे परोसना, उसके बाद में तुम खा सकती हो। दास को आज्ञा देते हैं, ठीक है। विश्वास के बारे में कहते हुए वो ये सब क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि विश्वास तुम्हारा दास है, तुम्हारी सेवा करेगा, आप जो करने के लिए कहेंगे वही करेगा, आप जो कहे वही वो करेगा, अगर आप उसे आज्ञा देते हैं, उसे कहते हैं तो। यदि आप आज्ञा देते हैं, बताते हैं कि क्या होना चाहिए, तो वो उससे करेगा। आमेन, ठीक है। तो सफल जीवन के लिए एक कुंजी तो ये है कि हमें ये सीखना है कि इसमें कैसे काम करें, क्योंकि व्यवस्था तो वहां पर है लेकिन हमें उसे सक्रिय करना है। प्रभु ने पहले विश्वास की व्यवस्था को बनाया है, हम विश्वास की व्यवस्था को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो पहले से ही अस्तित्व में है, हम विश्वास के नियम को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने कैसे विश्वास के इस नियम को सक्रिय किया था, मेरे साथ निकाले इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 पढ़ते हैं। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी पृथ्वी की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। हमने इसे कई बार देखा है, चलिए इसे एक और बार देखते हैं, हर बार ये और ज्यादा प्रकाशन देने वाला होता है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सरल शब्दों में बताऊं, संसार बनाया गया विश्वास से प्रभु वचन के द्वारा, यही तो ये कह रहा है। संसार कैसे अस्तित्व में आया, जो चीजें आप देखते हैं ये कैसे अस्तित्व में आई, ये तो आई विश्वास से। विश्वास से मतलब प्रभु के वचन के द्वारा, विश्वास से प्रभु वचन के द्वारा। दो बातें बताई गई है, विश्वास और प्रभु वचन, क्योंकि विश्वास काफी नहीं है, वचन ही है जो विश्वास को खोलता है और विश्वास को सक्रिय करता है, वचन ही है जो विश्वास के नियम को सक्रिय करता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उत्पत्ति एक दो ये कहता है, पृथ्वी सुनसान और बेडोल थी और पृथ्वी के ऊपर अंधकार छाया था और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, ठीक है। यानी वहां पर क्या था, वो पृथ्वी तो पूरी तरह सुनसान थी और बेडोल थी, सब कुछ क्रम में नहीं था और गड़बड़ी वहां पर थी, और सब कुछ क्रम में नहीं था, वहां पर खालीपन था, गड़बड़ी थी, वहां पर पूरी गड़बड़ी थी, अंधकार वहां पर था और परमेश्वर की आत्मा वहां पर थी। कैसा कॉम्बिनेशन, गड़बड़ी थी, खालीपन था, अंधकार था और प्रभु की आत्मा थी। गड़बड़ी, खालीपन, अंधकार और प्रभु का आत्मा था। गड़बड़ी, खालीपन, अंधकार और प्रभु का आत्मा था। बहुत से विश्वासियों के जीवन का सिद्ध चित्र है ये, इसलिए बार बार कहा गड़बड़ी थी, खालीपन और अंधकार और परमेश्वर की आत्मा। वो आत्मा से इतने भरे हैं लेकिन जीवन खाली है, आत्मा से इतने भरे हैं लेकिन अंधकार से भरे हैं, आत्मा से इतने भरे हैं जीवन पूरी गड़बड़ी में पड़ा है, कुछ नहीं बदल रहा है, कोई फर्क नहीं है। आपने सोचा आप आत्मा से इतने भर जाएंगे कि कुछ फर्क दिखेगा, कि किसी तरह परमेश्वर की आत्मा सब कुछ बदल देगी, लेकिन शुरू में ये कहता है, अगर आप देखें कि परमेश्वर की आत्मा ने कैसे किया, पृथ्वी तो पूरी तरह से सुनसान और बेडोल थी, गड़बड़ी और खालीपन वहां था, अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा वहां पर पहले ही चल रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, ये तो बस वैसे ही था। अंधकार वहां पर था, गड़बड़ी वहां पर थी, क्रम वहां पर बिल्कुल नहीं था, ये सारी चीजें वहां थी और इससे बढ़कर परमेश्वर का आत्मा वहां था, प्रभु का आत्मा वहां पर था, फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। परमेश्वर का आत्मा वहां पर राह देख रहा है कि वचन कहां जाए कि बदलाव आ सके, जब तक वचन न कहां जाए कुछ नहीं हो सकता है। हेलो,
महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब तक कि वचन न कहा जाए, जब तक कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उजियाला हो जाए, वो वैसे ही रहा। और अगर यदि अगले 10,000 साल तक प्रभु शांत रहता और ये नहीं कहता कि उजियाला हो जाए, 10,000 साल तक परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडलाते रहता, राह दिखता, राह दिखता, राह दिखता, राह दिखता और ज्यादा राह दिखता कि परमेश्वर कह सके और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो पूरा हो जाए। प्रभु का आत्मा वचन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। हेलो, ये बहुत से विश्वासियों के लिए बड़ा पाठ है। वो कहते हैं, मैंने बपतिस्मा लिया है भाई, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। मुझे वचन से बताइए कि बपतिस्मा लेने पर सब कुछ बदल जाएगा। यदि बपतिस्मा लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं देता कि आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। देखिए, आप शायद ये कहें तो मैं तो आत्मा से भरा हूं भाई, लेकिन मेरा जीवन तो समस्याओं से भरा हुआ है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ये सब कुछ गड़बड़ी में पड़ा है, ये खाली है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। अच्छी बात है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, लेकिन चाहे आप कितनी भी परिस्थिति से जाएं, यदि आपके पास वचन नहीं है, कहा गया वचन उस परिस्थिति में नहीं है, अगर आप वचन नहीं कहते हैं तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। पूरा संसार इसी तरह से बनाया गया, पूरा संसार अस्तित्व में आया प्रभु ने कहे वचन के द्वारा, और जो भी वचन उसने कहा वो अस्तित्व में आया। पहले अध्याय की यही कहानी है, उत्पत्ति में जो भी उसने कहा वो अस्तित्व में आया, प्रभु ने कहा और वैसे ही हो गया। ठीक है, चलिए इब्रानियों 1 में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु कैसे विश्वास में काम करता है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर जैसे ही विश्वास है। यदि हम उसका विश्वास समझे और वो कैसे काम करता है, तो हम अपना विश्वास समझेंगे और कैसे उसके साथ में काम करते हैं। इब्रानियों अध्याय 1, चलिए वचन 3 पढ़ते हैं। वो उसकी महिमा का प्रकाश है, यहाँ पर ये जो है यीशु के बारे में कहता है, यीशु के बारे में कहता है, जो यानी ये यीशु है, ये प्रभु की महिमा का प्रकाश है। और आगे ये कहता है कि उसके तत्व की छाप है, वो यानी यीशु के बारे में कहता है, उसकी महिमा यानी उसकी महिमा ये पिता परमेश्वर के बारे में कहता है। दूसरे शब्दों में कहता है कि यीशु पिता की महिमा का प्रकाश है, तेज है, और पिता के तत्व की वो छाप है, वो छाप है। दूसरे शब्दों में यीशु बिल्कुल वैसे ही है जो कि परमेश्वर है। परमेश्वर जो भी है, यीशु वही है, वो तो उसके तत्व की छाप है। इसका मतलब वो बिल्कुल वैसे ही डिक्टो है, परमेश्वर का बिल्कुल सही प्रतिरूप है, वो उसके तत्व की छाप है, साथ ही वो उसके महिमा का तेज है। वो जो भी है उसे वो प्रदर्शित करता है। बस यही, परमेश्वर जो भी है उसे यीशु में देख सकते हैं। परमेश्वर जो भी है वो प्रतिमा यीशु में पूरी तरह से देखी गई, यानी यीशु तो बिल्कुल पिता के जैसे है। और पिता कैसा है? अब तुरंत कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, क्या पिता लंबा है या नाटा है, मोटा है या पतला है, गोरा है या काला है, हाँ वो कैसे दिखता है, क्या उसकी दाढ़ी है, वो किस वंश का है, वो कैसा व्यक्ति है, वो कैसे दिखता है, पिता कैसे दिखता है, क्योंकि यीशु तो बिल्कुल पिता के जैसे है ये कहता है। पिता कैसे दिखता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, ये सारी चीजें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैं बाइबल में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करूं, उस तरह की जानकारी को लेकर आज प्रचार करूं और आपको दिखाऊं कि परमेश्वर ऊंचा है, सुंदर है, ये है और वो है और ये सब, आप जब घर जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा, आप घर में खाली जाएंगे और ये तो आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, आपके लिए लाभदायी नहीं होगा। जिस तरह की जानकारी जिसमें मैं दिलचस्पी लेता हूं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, वो लंबा है, नाटा है, कैसे दिखता है, नहीं, शारीरिक दिखावा नहीं, हम उसकी चिंता नहीं करते। परमेश्वर कैसा है, वो कैसा है, क्या परमेश्वर को आपने देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने प्रभु को देखा, मैंने उस प्रभु को देखा जिसके बारे में बाइबल बताती है, परमेश्वर कैसा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पिता की उसकी महिमा का तेज है, यानी यीशु उसकी महिमा का तेज है और उसके तत्व की छाप है, तो फिर वो व्यक्ति कैसा है, उसकी महिमा कैसी है, वो कैसा है। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन वो कैसा है, हमने कभी उसे नहीं देखा शारीरिक रूप में, लेकिन मैं जानता हूं वो कैसा है, जानते वो कैसा है, वो अपने वचन का परमेश्वर है,
वो वचन कहता है सब कुछ वैसे ही होता है, ऐसे परमेश्वर के बारे में हम कह रहे हैं। मैं उसके बारे में एक बात समझता हूं, यह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो लंबा है या नाटा है, मोटा है पतला है, और वो सारी चीजें ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर यही है। परमेश्वर अपने वचन का प्रभु है, उसने वचन से सब कुछ बनाया है, वो विश्वास का प्रभु है और उसका विश्वास वचन से खोला जाता है। वैसा परमेश्वर जो विश्वास करता है कि ऐसा होना चाहिए और फिर उसे कहता है, और जो कुछ विश्वास करके कहता है बस वही तो होता है। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं। मैं उसे कैसे जानता हूं? बाइबल से उसे जानता हूं। मैं उसे कहां देखता हूं? उसे उत्पत्ति में देखता हूं। क्या मैं उसे समझता हूं? हाँ मैं उसे समझता हूं। क्या मैं उसे जानता हूं? हाँ जानता हूं। उसके बारे में क्या? वो अपने वचन का परमेश्वर है। जो भी वो चाहता है वो विश्वास से वचन के द्वारा उत्पन्न करता है, रचना करता है, वही प्रभु है। तो यदि यीशु बिल्कुल परमेश्वर जैसे है तो फिर यीशु भी अपने वचन का व्यक्ति है, और इसलिए यीशु को वचन कहा गया है। वह एकमात्र वचन है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जैसे है, वो वचन का सार है। वो क्या है? वो वचन है। यीशु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसकी दाढ़ी नहीं। एक बार दो लोग लड़ रहे थे कि वो कैसे दिखता है। किसी ने एक चित्र दिखाया, कहा यीशु बिल्कुल ऐसे दिखता है, मेरे पास में इसके बारे में सबूत है कि यीशु बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। मैंने कहा बड़ी बात है, और जानते हैं मैं परवाह नहीं करता वो कैसे दिखता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि वो कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। वो कैसा दिखता है महत्वपूर्ण नहीं, उससे मेरी मदद नहीं होगी। यदि वो लंबा है तो कैसे मदद करेगा? हाँ हेलो, इन दिनों में हमारे पास क्रेन है, हमें उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, हमें मदद के लिए लंबे आदमी की जरूरत नहीं है। यदि वो नाटा है तो कोई मदद नहीं करेगा, अगर वो गोरा है तो कोई बात नहीं, काला है तो कोई बात नहीं, ये चीजें मेरी मदद नहीं करेगी। मेरे लिए ये सच्चाई मदद करती है कि वो अपने वचन का व्यक्ति है, वो वचन का व्यक्ति है। जो भी वो कहता है वो होता है। वचन ही वो शक्ति जिसके द्वारा विश्वास की सामर्थ को खोलता है, और वचन ही इन सारी चीजों को लेकर आता है। जब उसने कहा अपना हाथ बढ़ा तो उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया। जब उसने कहा अपना बिस्तर उठा और चल, वो चलने लगा। जब वो कहता है तो उसके अंदर इतनी सामर्थ होती है कि जो भी वो कहता है उसे पूरा कर दे। हेलो, मैं इसी में दिलचस्पी लेता हूं, यानी यीशु परमेश्वर जैसे है, परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर अपने वचन का प्रभु है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है विश्वास का प्रभु है। इसका मतलब वो वचन से काम करता है, यानी यीशु अगर परमेश्वर जैसे है तो यीशु विश्वास का यीशु है, और वो अपने वचन से काम करता है। इसके बारे में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में हम पढ़ते हैं। और फिर तीसरी बात, हमने परमेश्वर को देखा और यीशु को देखा, दोनों को देखा। चलिए अब देखते हैं कि आप कौन हैं। कुछ लोग कह रहे हैं खैर मैंने अपने आप को आज आईने में देखा है, मैं जानता हूं कि मैं कैसे दिखता हूं। हम वो नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आईने में कैसे दिखते हैं। एक बार फिर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप लंबे हो, नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये मुख्य बात नहीं है। आप कौन हैं? आप तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। आपके पास परमेश्वर की कौन सी समानता है? आपके पास परमेश्वर की स्वरूप और समानता है कि आप भी विश्वास के व्यक्ति हैं, विश्वास के परमेश्वर की, विश्वास की संतान। आप अपने मुंह के शब्दों के द्वारा काम कर सकते हैं, आप जो कहते हैं वो हो सकता है, आप में इतनी क्षमता है। आप ऐसे ही व्यक्ति हैं, परमेश्वर जैसे हैं, जैसे यीशु पिता के जैसे है, आप भी पिता के जैसे हैं। हेलो, तो पिता कैसे काम करता है? उसने कहा और सब कुछ अस्तित्व में मिलाया। यीशु कैसे काम करता है? आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देखिए, उसने कहा और सारी चीजों को अस्तित्व में लाया। उसने ये भी कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और दिल में संदेह करे, लेकिन विश्वास करे कि जो कहता है वो पूरा होगा, तो जो भी उसने कहा है उसे मिलेगा। यहां पर इसका सार वो बता रहा है, मनुष्य जीवन का। मनुष्य क्या है? मनुष्य जो व्यक्ति है वो तो यही है, वो कह सकता है, जो भी वो कहेगा वही वो पाएगा। इसलिए उसने कहा कि तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते हो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जाकर लग जा, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। वो आज्ञा मानेगा, क्या आज्ञा मानेगा? पेड़ आज्ञा मानेगा।
कुछ भी आज्ञा मानेगा, लकड़ी का टुकड़ा आज्ञा मानेगा, कुछ भी आज्ञा मानेगा वो आज्ञा मानेगा, ये कहता है। वो सार बता रहा है कि मनुष्य क्या है, ठीक है, यानी हमें सीखना होगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि यदि हम ये न सीखे विश्वास कैसे काम करता है शब्दों से, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा जैसे प्रभु के लिए काम किया, चाहे प्रभु जैसे क्यों न हो। आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में हैं, परमेश्वर जैसे हैं, लेकिन यदि आप न सीखे तो विश्वास आपके लिए काम नहीं करेगा। यदि आप न सीखे कि ये इस तरह से ये काम करता है, और उसके बाद में चाहे आप परमेश्वर जैसे हो और आपके अंदर पूरी क्षमता है कि आप विश्वास से काम करें, कि विश्वास में जी सके, वचन से काम करें, ये आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि आपने नहीं सीखा है। ये काम नहीं करेगा। बहुत से लोगों में यही तो समस्या है। हमने कहा है हम परमेश्वर जैसे हैं, यीशु परमेश्वर जैसा है, हम परमेश्वर जैसे हैं, प्रभु के लिए जैसे काम करता है हमारे लिए काम करेगा, वचन के द्वारा काम करेगा। जब उसने कहा तो ये हो गया, जब हम कहेंगे तो ये हो जाएगा। यीशु बहुत स्पष्ट कहता है हमें क्या कहना है, उसके वचन कहना है। लेकिन बहुत से लोगों में यही समस्या है, वो नहीं जानते कि उसका वचन उनके बारे में क्या कहता है, बस यही। या आपके परिवार के बारे में क्या कहता है, आपके पति पत्नी के बारे में ये क्या कहता है, आपके व्यापार के बारे में क्या कहता है, आप हर बात की शिकायत कर रहे हैं। मैं इसलिए इसके बारे में कहता हूं, आप शिकायत करते हैं अपने काम के बारे में, व्यवसाय के बारे में, पैसों के बारे में, जानते हैं अपने पड़ोसी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, पति या पत्नी के बारे में, और इन सारी बातों के बारे में। लेकिन बाइबल इन सारी बातों के बारे में क्या कहती है, वो कहते हैं खैर बाइबल, मुझे पता नहीं बाइबल क्या कहती है। यही समस्या है। यदि आप नहीं जानते बाइबल क्या कहती है, तो जो बाइबल कहती है आप नहीं कह सकते, जो परमेश्वर कहता है वो नहीं कह सकते हैं, और जो प्रभु कहता है अगर आप नहीं कहें तो आप सामर्थ्यहीन हैं। चाहे आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए, आप सामर्थ्यहीन हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए आपको जवाब की किताब चाहिए, आपको देखना है कि वचन क्या कहता है आपके बारे में, आपके परिवार, आपके हाथों के कामों के बारे में, तंदुरुस्ती, धन के बारे में, बल के बारे में, आपकी सारी चीजों के बारे में बाइबल क्या कहती है। यही तो बात है, आपको जानना क्या कहती है, क्योंकि जब आप जानेंगे कि ये क्या कहती है, इसलिए नीति वचन 4 कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें ध्यान से सुन, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा और इसे अपने दिल में रख, इन्हें अपनी आंखों से ओट न होने दे, क्योंकि जो लोग इससे पाते हैं वो तो उनके पूरे शरीर के लिए औषधि जैसे है। आपको इसे ढूंढना होगा, आपको ये जानना होगा। देखिए, बहुत से लोगों ने सुना है कि किसी ने क्या कहा है किसी के बारे में, किसी ने कहा चंगाई के बारे में, किसी ने संपन्नता के बारे में कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा है इसके और उसके बारे में, उन्होंने सुना है कि किसी ने क्या कहा, लेकिन वो खुद को नहीं पाए हैं। नहीं, ये काम नहीं करेगा अगर आप सुनते हैं कि किसी ने क्या कहा। आपको खुद के लिए इसे ढूंढना होगा, आपको अपने कान देने होंगे, आपको ध्यान धर के सुनना होगा, आपको इसे अपनी आंखों के सामने रखना होगा, अपने दिल में इसे रखना होगा, पूरे ईमानदारी से इसकी रक्षा करें, इसे संभालें, इसे बढ़ाएं, इसे अपने दिल में रखें, इसकी रक्षा करें, इसे कहते जाएं। इसे कहने के द्वारा आप अपने दिल में इसे डालते हैं। जब आप इस क्रिया से जाते हैं कि अपने कान इन बातों की ओर लगाएं, वचन की ओर ध्यान देते हैं, इसे अपनी आंखों के सामने रखते और कहने के द्वारा इसे अपने दिल में रखते हैं, और केवल तब आप इसे पाते हैं, और तब ये आपके पूरे शरीर के लिए औषधि होती है। Us to triumph in His name. Thanks be to God. Who
us to win. Yeah, thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks clap be our hands and say, thanks be to God, we have overcome. Hallelujah, hallelujah, we have overcome. You're the one, hallelujah, hallelujah, the one who made a way for us to triumph in the name. Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright.